बहराइच जिले में सभी विद्युत संविदा कर्मचारियों ने एक साथ कार्य का बहिष्कार किया है। इसी क्रम में बहराइच वजीरगंज पावर हाउस पर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा कर्मचारी संघ के महामंत्री डीएन श्रीवास्तव ने सभी संविदा कर्मचारियों को एकजुट कर कार्य न करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि संविदा कर्मियों का वेतन नहीं दिया जाता है और समय से और न उनको कोई सुविधा विद्युत विभाग से मुहैया कराई जाती है। सभी संविदा कर्मियों का वेतन जुलाई से अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। बात करने पर बताते हैं कि अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग से भी इसकी शिकायत की गई थी भुगतान न मिलने की, लेकिन अधिशासी अभियंता ने भी कोई कार्यवाही नहीं की। संविदा कर्मचारियों की पारिवारिक स्थिति काफी खराब और दयनीय होती जा रही है, इसलिए संविदा कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार किया है और कहा है अगर वेतन समय से ना दिया गया तो हम लोग धरने पर बैठेंगे और पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार कर देंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक हम कोई कार्य नहीं करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मी निवास एवं श्याम पांडे, वीरेंद्र शर्मा, विजयन कनौजिया, राम अवतार, हिमांशु गुप्ता आदि संघ के तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। डीएन श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का संविदा संघ के जिला महामंत्री बहराइच। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग हड़ताल किए हुए हैं कि हम लोगों का वेतन समय से नहीं मिल रहा है, आज से पूर्व 4-5 महीने से, और हम लोगों के बच्चे भूख के कगार पर पड़ चुके हैं। पढ़ाई लिखाई बच्चों की शिक्षा डिस्टर्ब है और हम लोग रोड पर आ चुके हैं। कई बार सूचना देने के बाद एसी साहब के यहाँ, मुख्य अभियंता के यहाँ, सबके यहाँ सूचना देने के बाद, नोटिस देने के बाद भी हमारे लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे हम लोग त्रस्त होकर के आज हम लोग कार्य बहिष्कार पे आए हुए हैं। जब तक हम लोगों का वेतन नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग कार्य बहिष्कार पे रहेंगे। आप लोगों ने जब एसी साहब से बात की तो उन्होंने क्या संभावना दिया? उन्होंने कहा कि 4 दिन के बाद मिल जाएगी। आज तो 25 तारीख हो गए हैं, पूरे महीने की सैलरी नहीं आई, तनख्वाह नहीं मिला, वेतन नहीं मिला हुआ है, हम लोग बहुत परेशान। अगर आप लोगों की मांग को नहीं मानते हैं तो फिर आप लोग धरने पे कब तक बैठे रहे? कार्य बहिष्कार खत्म हो जाने के बाद अगर भी नहीं मानते हैं तो हम लोग धरने पे बैठ करके अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। जैसी भी स्थिति होगी वैसे भी मनाने की कोशिश करेंगे, नहीं मानेंगे नोटिस दिया जाएगा।